जब चुनाव आती है तो हर पार्टी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, वायदे करते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड में जब चुनाव हुआ था तो सभी ने वायदे किए थे, जो नेता हैं, जो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, कि बेरोजगारों के लिए रोज़गार उत्पन्न कराएंगे, अगर रोज़गार उत्पन्न नहीं कराएंगे तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी 5,000 रुपया सालाना देंगे। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, लगभग 3 साल बीतने जा रहे हैं झारखंड सरकार के, और बेरोजगार युवक दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। रोज़गार तो दूर की बात, बेरोजगारी भत्ता भी कब मिलेगा कहना मुश्किल है। इन सभी मामलों पर क्या कुछ कहना है श्रम नियोजन विभाग के पदाधिकारियों का, इस वक्त हम उन्हीं से जान लेते हैं। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यह राजधानी रांची के स्थित श्रम नियोजन का कार्यालय है, जहां की रोजगार मेला लगाया जाता था, लेकिन कोरोना काल के कारण यहां रोजगार मेला भी अब नहीं लगाया जा पा रहा है। क्या कुछ कहना है श्रम नियोजन विभाग के पदाधिकारियों का, कि कब तक आखिर जो राशि आवंटन की गई थी सरकार के द्वारा, वह कब तक छात्रों में, बेरोजगार छात्रों में आखिर बांटा जाएगा, जो कि टकटकी लगाकर बैठे हैं कि हमें सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता मिलेगा जिससे कि हम अपने आगे की पढ़ाई को पूरा कर पाएंगे। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान बेरोजगार अभ्यर्थी यहाँ पहुँचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ रोज़गार मिल जाए और बेरोजगारी भत्ता मिल जाए जिससे कि हम आगे की पढ़ाई कर सके, रोज़गार कर सके। मेरा नाम देवकुमार मुंडा है, मेरा गांव तो एक ही है शेख सर। तो हम लोग कभी भी कुछ भी भरते हैं तो हम लोग का कुछ भी सक्सेस नहीं होता है, कुछ भी हम लोग मिलता नहीं है, जो भी करते हैं बेरोजगार रहते हैं, कुछ भी भरते हैं तो हम लोग आता नहीं है कुछ, माने कि हम लोग के लिए कुछ करते हैं तो सरकार खाली बोलती है, कुछ करती है ही नहीं। ये समस्या हम लोग के लिए, हम पढ़े लिखे हैं लेकिन पढ़े लिखे हमारे बुजुर्ग क्या करें, कल खेती बाड़ी करते हैं उसके हालत कुछ कर सकते नहीं, करेंगे तभी होता नहीं, इसलिए भटक रहे हैं। मैट्रिक भी नहीं है, मैट्रिक है सिर्फ। सरकार ने क्या वादे किए थे चुनाव में, क्या लगा था मिले? उन लोग लगाए थे कि हम लोग सरकार के लिए, मतलब बेरोजगारी के लिए रोजगार दूंगा, रोजगार देना है तो रोजगार कहाँ मिले हम लोग को, अगर रोजगार मिलता तो हम लोग इतना दूर थोड़े ना आते करने के लिए, कुछ रोजगार नहीं। क्या कर रहे हैं अभी, अप्लाई कर रहे हैं रोजगार के लिए, फॉर्म भर रहे हैं, अब देखते हैं इसका भी क्या होता है, अभी कोई गारंटी नहीं है भरेंगे, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। घर में कोई है कमाने वाला? कमाने वाला खुद हम लोग कमाते हैं सर, कहें कि हम लोग का माँ बाप भी गुजर गए हैं, हम लोग कुछ खेती बाड़ी करके हम लोग को करना पड़ता है, हाँ, और उसके अलावा हम लोग कुछ चारा नहीं है। हम सीधे बातचीत करते हैं श्रम नियोजन के यहाँ के जो अधिकारी हैं निशिकांत मिश्रा, और उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या कुछ इस वक्त विभाग की वस्तु स्थिति है। क्योंकि मास में हो सकता है झंझट होने की संभावना थी, तो उससे वो देखते हुए फिर से उसको फिर से प्रस्ताव जाएगा, फिर से प्रस्ताव जो अप्रूव होगा उसी पर मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है, सरकार का वो भी मनसा हो कि सबको हम पूरा कर सकें, क्योंकि बजट उसमें भी कोविड की वजह से भी कम था। और उसके अभी रास्ता है कि हम लोग जो लोग हमारे पास पुराने रजिस्टर्ड हैं, तो जितना पैसा अमाउंट हमको मिलेगा जो सीनियरिटी से हम देंगे, कुछ को चूँकि एक साल ही देना है तो कुछ को इस साल देंगे, कुछ को अगले साल देंगे, जो उनको इस साल दे सकेंगे उनको देंगे। तो इस साल उम्मीद है क्या सर? अभी कुछ भी कहना इस पर, जब तक हमको आवंटन प्राप्त नहीं होता, हमारे हाथ में पैसा नहीं होता, तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। सरकार स्तर पर क्या निर्णय हो रहा है तो सरकार के, आप लोगों ने सब तैयारी करके रखा है? हम तैयार हैं हर हाल के लिए, चूंकि उसमें था कि जो वहाँ से वो पास किए हैं वहाँ से उसके इंस्टीट्यूट देंगे, और इसके बाद अगर ये होगा कि हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड हैं उनको देंगे तो हम यहीं से छांट लेंगे। अब तक कितने कुल बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं? लाखों में संख्या है? अभी तो लाखों में है, तो 5 लाख समथिंग, 5 लाख से ऊपर है हमारे पास। ग्रेजुएट नहीं, सब मिला करके ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में हमको लगता है 2 लाख से ऊपर होंगे, और बाकी तो हमारे पास तो इलिटरेट से लेकर ऊपर तक है, लेकिन हमको लगता है 2-2.5 लाख होना चाहिए हमारे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।